हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बस हम 1 रुपए में घर बैठे अपने फटे हेयरों का प्रॉब्लम और टैनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज ये मेरे मम्मी का पैर और आप देख सकते हो कितना ड्राई है। तो सबसे पहले मैं मम्मी का पेडिक्योर करूंगी, उसके बाद मेरा करूंगी। मैं फर्स्ट ये वाला चीज़ चाहिए जो घिसने का काम आता है, उसके बाद एक ब्रश चाहिए होगा और एक शैम्पू चाहिए होगा। कोई सा भी शैम्पू ले लो आप। इफ़ यू हैव अ प्यूमिक स्टोन देन तो बहुत ही अच्छा होगा। और बस एक नींबू चाहिए होगा। सबसे पहले तो एक बर्तन ले लो और पानी गर्म कर दो। ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस लुकवार्म वाटर चाहिए जितना आप सहन कर सकते हो। अभी लेमन को कट करके उसका जूस है वो डाल दो पानी में, और फिर जो शैम्पू लिया था वो भी कट करके डाल दो पानी में और अच्छे से मिक्स कर लो। अभी हम अपने पैर को फॉर 15 to 20 minutes इस पानी में सोक करेंगे। तो अभी हम लोगों का 20 मिनट्स हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द प्यूमिक स्टोन, और जो डेड सेल है उसको घिस घिस के निकाल देंगे सारा। अभी जो रह गया है बचा कुचा उसको हम इससे करेंगे जिसका मुझे नाम पता नहीं है। मैंने इस ब्रश में थोड़ा सा शैम्पू लिया है। अभी जो पैर का कोना कोना है वो भी क्लीन हो जाएगा इस ब्रश की मदद से। इससे तो आपके पैर का जो गंदगी और जो डेड सेल होगा निकल ही जाएगा मोस्टली। पैर और नाखून बहुत सॉफ्ट हो चुका है, तो मम्मी का मैंने क्लीनिंग और नेल कट भी कर दिया है। अभी हम फाइनली यूज करेंगे द डीटन पैक। इसमें मैंने डाला है राइस फ्लोर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, मिल्क और थोड़ा सा रोज वाटर। इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन पर रब करके लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। मम्मी ने अपना पैर धो लिया है, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ना अच्छे से मसाज करना पड़ेगा थोड़ा। आप देख सकते हो मेरे मम्मी का पैर कितना सॉफ्ट, ग्लोई और फ्रेश लग रहा है। आप देख सकते हो फोटो में बिफोर एंड आफ्टर कितना डिफरेंस है। मम्मी ने अपना ध्यान रख नहीं पाती और मुझे ये करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये है मेरा पैर, मेरा पैर का हालत भी बहुत ही खराब है। आई विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस, के बाद अपना रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। मैंने भी अपने पैर को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और एक नया नेल पेंट भी लगा लिया है। आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का फोटो। 10 तो एक बार में नहीं चला जाएगा, बट मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है घर बैठे ही, वो भी एक बार यूज करने के बाद ही। तो मैं तो 15 डेज बाद करूंगी श्योर। आपको भी वीडियो पसंद आया तो आप भी ट्राई करना जरूर।